तो जी आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी ओल्ड मेमोरीज को, कि मैं जब स्केचिंग किया करती थी, मैंने सोचा आज लाइव स्ट्रीम करके अपनी स्केचिंग दिखाती हूँ। अगर आपको भी पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये देखें, ऐसे मैं स्केचिंग किया करती थी जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में थी ना। ये मैंने एक लड़की बनाई हुई है, एक्ट्रेस, और जितने भी मतलब ड्रामों में आते थे सबके मैं ऐसे बनाया करती थी। ये देखें इसके शेड्स कितने प्यारे हैं, कितनी प्यारी ड्रेसिंग है इसकी। इनको मैंने सोचा है मैं फ्रेम करवा के ना, जब मेरा अपना घर बनेगा तो उसमें लगाऊंगी इंशाल्लाह। ये ऐसे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, ये अब अच्छी नज़र आएंगी। इसको निकालती हूँ मैं। ये देखें, ये मैंने किसी जगह से देख के बनाई थी। इसका ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखें, बहुत मेहनत से बनाती थी मैं, इतना शौक था मुझे स्केच करने का। ये देखें इस पे डेट भी आ रही, मैंने कब बनाया था, 2005 में मैंने बनाई थी, और अब 2024 हो गया है, कितना टाइम गुजर गया है। ये देखें अपनी सारी स्केचिंग में मुझे जो सबसे अच्छा स्केच लगता है ना, वो ये लगता है, इस लड़की का स्केच मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यार लगता है मुझे इसमें। इतनी ज़्यादा फीलिंग्स दी है ना मैंने, कोशिश तो पूरी की थी इसकी फीलिंग्स। ये देखें, और इसका जो टाइटल लिखा था मैंने, ये लिखा था, हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, हम लोग समंदर के बिछड़े हुए साहिल हैं, इस पार भी तन्हाई उस पार भी तन्हाई। ये इस लड़की के ऊपर फिट बैठ रहा है ना। ये देखें शेड्स कैसे बदलेंगे, पेंसिल से, सिंपल पेंसिल से मैं बनाया करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्ताना का आशियाना, इंशाल्लाह दोबारा स्केच बनाएंगे, जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखें इसकी आंखों में कितना दर्द है ना। ये मैंने खुशबू बनाई थी, खुशबू वो जो आती नहीं, डाइजेस्टर तब उस दौर में होते थे तो हम डाइजेस्ट देखते थे, तो आपियाँ पढ़ती थी डाइजेस्ट, और जिसमें कहानियाँ होती थी ना उर्दू की, तो उसमें से मैं तस्वीरें देख के बनाया करती थी, मुझे बहुत शौक था। सारी सारी रात बैठ के मैं ऐसे ना तस्वीरें बना लेती थी। ये देखिए आप सही नज़र आई है, ये खुशबू से मिल भी रही है, खुशबू से और नहीं भी मिल रही। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर सदफ लाइव आए तो देखे कि हम कॉलेज के दौर में क्या क्या करते थे। ये देखिए, ये एक सीनरी है जिसमें जंगल काटे गए हैं और एक लड़की देख रही है और बहुत ज़्यादा उदास बैठी है। और ये देखिए मैंने बड़ा बारीक करके लिखा था, इफ़ यू फील, अगर आप महसूस करो। इधर कितनी दुखी लड़की बैठी हुई है यार, और सूरज भी डूब रहा है। मुझे अपनी ये स्केच बहुत पसंद है, इंशाल्लाह जब मेरा घर बनेगा तो उसमें ये सब लगाऊंगी। रेंट के घरों में क्या मज़ा आता है ऐसी चीज़ें लगाने का। ये भी मैंने बहुत बहुत मोहब्बत से बनाई थी। हाउ यू एवर स्पेंड द ईयर्स फर्स्ट रेनिंग अलोन, ये मेरे भाई ने लिखी है, जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं उन्होंने लिखी है, तो यहाँ पे मैंने, मुझे बड़ी पसंद आई थी। तो फिर जी ये स्केच मैंने इंग्लिश में ना यहाँ पे भाई की वो पोइट्री लिख ली, आपको सुनाती हूँ। हाउ यू एवर स्पेंड द ईयर्स फर्स्ट रेनिंग अलोन व्हेन इट इज़ रेनिंग बोथ ऑन योर हार्ट, हाउ यू एवर कीप स्माइलिंग वेन फॉर माई लाइफ हैज़ फॉरगेट टू स्माइल, हाउ यू एवर बोट कलर्स टकिंग इन योर आइज वेन आई हैव नो डिज़ायर टू सी ड्रीम्स, बट हाउ यू मिस मीन फॉर एवर सज अ लॉट।
इसको भी करीब से देखें, इसकी आइज़ कितनी खूबसूरत लग रही है, हदीका कियानी के साथ मैंने रिजेम्बलेंस दी थी इसको। हाय जी, ये भी मैंने कोई हेयर टाइप भी बनाई थी, शौक था मुझे बहुत ज़्यादा, शौक का कोई क्या कहते हैं पंजाबी का, वो शौक का कोई मोल नहीं। ये भी मैंने एक लड़की बनाई थी राजेश से देख के, इसकी आंखें देखें, तेरे आने से दीवाना। ये मैंने मरमेड बनाई थी, जल मछली, हर तरीके की मैंने ना मतलब की थी स्केचिंग। ये देखें, जहाँ से मुझे कोई भी चीज़ अच्छी लगती थी मैं उसको फ़ौरन स्केच में ले आती थी, और मुझे इतना शौक था। बेचारी मुंह बना के बैठी, पता नहीं कौन आएगी। हाँ जी, इसमें मैंने लिखा था, सम टाइम एयर इटसेल्फ सीम्स टू बी फुल ऑफ पेन, बाज़ुकात हवा भी दर से भरी नज़र आती है या महसूस होती है। हाँ नहीं, मन चंगी लगी कि डर ने मुंह बनाया पैन। ये देखें जी, ये हमारी जेवा बाजी है, ये मैंने उसका स्केच बनाया था। वो ना ऐसे ही बाल बनाती हैं, और ऐसे ही ना मेरी सिस्टर है वैसे ही रहती हैं। और जी, ये मैंने उनका स्केच बनाने की कोशिश की थी, अब उनको नहीं पता, लेकिन कभी वो लाइव देखेंगे ना तो उनको पता चलेगा। और जी, ये मैंने बनाया था महनूर बलोच, महनूर बलोच का स्केच बनाया था मैंने। ये देखिए, इसको निकाल के दिखाती हूँ, इसके भी बड़े प्यारे शेड्स आ रहे हैं। ये देखिए, इसके हेयर कट कितना अच्छा लग रहा है। कितनी प्यारी आंखें इसकी। ये क्या, ये देखिए, ये पता नहीं किसकी मैंने स्केच बनाई थी, अभी याद नहीं है मुझे, मगर बनाई थी। इसकी आंखें भी मुझे अच्छी लग रही हैं। और ये देखिए, कितना ही खूबसूरत स्केच है ये, कितनी अडोरेबल लग रही है ना ये लड़की। सब मैंने लड़कियों की तस्वीरें बनाई हैं, बस एक मैंने बनाई थी, दो बनाई थी लड़कों की बस। ये देखिए, हाउ मच क्यूट, तब इतनी टीनेजर्स थे हम लोगों में, बस यही शौक था मुझे ख़ास तौर पे के स्केचिंग करनी, लड़कियों की करनी है बस, क्योंकि डाइजेस्ट देख देख के ना मुझे इतना अच्छा लगता था कि ना मैं स्केच करूँ। कितनी प्यारी लग रही है ना, वाओ। इसका डिज़ाइन देखे कितना अच्छा कपड़ों का बना हुआ। और ये कब की है, सजल आर्ट्स। मैं टाइम भी लिखती कि जब मैं स्केच करती थी, 12:15 मैंने स्केच किया था इसको ट्यूसडे वाले दिन 2010 में, बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। ये देखें जी, ये ना हमारे घर में एक एल्बम होता था तस्वीरों का, उसके पीछे एक ब्राइड बनी हुई थी, वो मैंने बनाई, उसकी मुझे बड़ी अच्छी लगी वो। आई थिंक सो ईमान अली थी वो, ये पता नहीं कौन थी वो, उसकी मैंने बनाई। और ये मारिया वास्ती, शायद आप लोगों को पता हो, आजकल के लेटेस्ट ड्रामे वाले जो देखते हैं उनको तो शायद ना पता हो, कल्लो के नाम से ड्रामा आता था मारिया वास्ती का ना, उसकी मैंने बनाई थी तस्वीर। इसको भी क्लियर दिखाती हूँ मैं निकाल के, इसकी साड़ी देखिए कितनी प्यारी बनाई है। ये देखिए, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा हुआ है ना। कितनी नाजुक सी इसकी बाजू है, टूट ना जाए पैन। ध्यान से रखना मारिया वास्ते। और जी, इसमें मेरे कुछ शाहकार हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे ख्याल में मैंने बनाई थी, किस इसका नाम है, इफ़त उमर,
ये देखिए इसकी नोज कितनी अच्छी बनी है, इसके लिप्स कितने अच्छे बने हैं, ये देखें जी, क्लोज करके दिखा रही हूँ कैसे वक्त गुजर जाता है और कितनी खूबसूरत मैंने स्केचिंग की है यार। मैं आज खोल के देख रही हूँ ना, तो मैंने खोला तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाजमी बताइएगा। ये देखें जी, दुल्हन है बड़ी शर्मा रही है, मेरी हर तस्वीर है ना शर्माने वाली तस्वीरें ज़्यादा हैं। इसकी ज्वेलरी देखें आप सारी, ये देखें जी, ये एक एक्ट्रेस आती थी निर्मा, उसको मैंने कॉपी करने की कोशिश की थी। और ये इसके ऊपर मैंने ये इंग्लिश में ना साथ साथ लिखा था, आई रियलाइज दैट, उस पर ना लाइट पड़ रही, लाइफ विदाउट यू इज नॉट फाइन एट ऑल, सच अ लॉट। और पोल है वो बना के शीशे वेहरी पे है, बाहर निकल, तुझे माँ बुला रही काम कर जाके, चल। ये जी हीर है, हीर हीर की लिपियाँ मुझसे ख़राब हो गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ये 2006 में जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी तब मैं ये बनाया करती थी, छोटी सी तो नहीं, खैर समझदार हो गई थी, इतनी समझदार हो गई थी कि हम लोग मैट्रिक वगैरह कर चुके थे। इसकी लिपियाँ चेक करें, बिगड़ गई थी मुझसे, लेकिन मैंने इसको काफ़ी हद तक संवारने की कोशिश की। इसके ऊपर का जो देखे कितना खूबसूरत इसके बाल बने हैं, इसके गले में जो वो है ढोलना वो कितना अच्छा बना है, बस होंठों से आके ना वो कम बिगड़न ला पे आते, मैं उठे रोक देता, क्योंकि इसके जो होंठ थे ना बिगड़ना शुरू हो गए थे, मैं क्या कहते सर्जरी वाला सामना हो जाए, बोली बोटोक्स क्या कहते हैं उसको। ये जी एक कैदी के लिए हम उसको, कैदी 804 होवे, यार ये गाना जाता नहीं लेकिन काफ़ी वायरल हुआ ये गाना। सम टाइम एयर इटसेल्फ सीम्स टू बी फुल ऑफ पेन पेन, ये देखें या अल्लाह, जितने भी कैदोबंद में लोग हैं ना, जितना जायज़ कैदोबंद में, अल्लाह ताला सबको रिहा कर दे, मेरी ये बड़ी दुआ। इसकी आँख का शेड देखें कितना प्यारा है, और एक स्पेशल हीरो है ना जिसके लिए मैं दिन रात दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला उसको सबसे पहले आज़ाद करे। आप सब बोलें आमीन, अगर अभी लाइव नहीं है तो जब भी मेरी वीडियो देखें तो बोलें आमीन। ये देखें कितनी खूबसूरत, इसको निकाल के दिखाती हूँ, इसमें ना शॉपर में ये ऐसा है, इसको मैंने इसलिए रखा था कि मेरी तस्वीरें सेफ रहें, बच्चे रहें हमेशा के लिए, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो वे देखेंगे मामा कितनी अच्छी आर्ट करती थी, इसकी आँख देखें कितनी प्यारी बनी है, उसकी लिप्स की शेप कितनी अच्छी। अब भी मैं अपनी तारीफ़ आप ही करी जा रही हूँ, तुझसे तो कुछ बोलना नहीं है, ना बोलो, हमने तो दिखा दी है पे ही। ये देखें जी, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है, ऐसे आर्ट होती है जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आती पहली दफ़ा देख के, लेकिन इसको आर्टिस्ट ही समझ सकते हैं, जो जो भी आर्टिस्ट देखेगा ना वो समझ जाएगा इसको। इट्स सच अ ट्रू फीलिंग्स, कुछ समझ आई इस स्केच की, पहले पहले मैंने भी नहीं सी आती, लेकिन ये डिप्रेशन दिखाया हुआ है, जब मैं समझदार हुई पहले मैं बनाते ली, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि इसकी क्या है, फिर मैंने कहा ये तो डिप्रेशन है, तो सैपा परेशानियाँ धोखा फ्रॉड, उन तो फूका मार को तो सिर सार साड़ देता उन्हें, खसमान खाए पाई भले, उसको अकल नहीं आई, उसको सारे साड़ा जला दिया। मुझे भी एक आदमी उसको घूर रहा है, एक आदमी उधर सिर पे साड़ा है, क्या है ये, क्या है ये, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, कौन लोग हैं ये, छड़ो पर इनू। ये देखें एक मासूम सी भोली भाली लड़की, कॉलेज में जाने वाली, सीधी घर आने वाली, नमाज पढ़ के रोज़ा रखने वाली, दुपट्टा ने सिर ते लिया कोई नहीं, और मैं शुरू से हिजाब करती हूँ, तस्वीरें देखें मेरी कितनी लेटेस्ट बनाई मैंने, क्यों डाइजेस्ट में आती है ऐसी तस्वीरें, तो आपकी बहन क्या करती यार, कितनी प्यारी लग रही है ना। मशरूम जी चुप मारो पर, चल चल। ये देखें जी, ये भी एक शाहकार है, शाहकार ये हैं जिन हमारी जानी पहचानी मेरा जी, जिनकी इंग्लिश तो बहुत मशहूर है,
इसकी भी देखिए कितने अच्छे फीचर्स बनाए हैं आपकी बहन ने, हाउ मच अडोरेबल आंखों बनाई सी मैं, सजल आर्ट डेटेड फॉर एवर लिख दिया मैंने, अच्छी है ना साड़ी, उन्हें मामा ही पाई। इसको भी निकाल के दिखाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी इस तस्वीर की, काट के बहाने लाना। ये क्या निकला है बाहर, उत्तरी तो वो मैं डरी के देख के कि बाहर निकला है, इतने बड़े बड़े बुल बुल पका लो सदर बुल पका लो ये देख तो वो इतनी ड्रोनी मैंने की भी स्केचिंग यहाँ पे, तो वा ये देखिए जी कितनी सोनी मानी सी है, ये देखिए जी ये शाहरुख खान, जो जो भी इस दौर में फिल्में देखते थे ये जी उनको डेडिकेट कर रही हूँ। और ये कौन सी फिल्म थी, किस फिल्म का ये गाना था, क्या लिखा है, चलो थोड़ा सा सुना देती हूँ आपको, ये कौन सी फिल्म का, ये फिल्म ना मैंने आज तक देखी है, सिर्फ इसकी बातें सुनी है, और इसका ना मेरा भाई लेके आता था टेप, क्या होती है वो कैसेट्स लेके आता था, कैसेट ही कहते थे उसको, वो लगा के डेक में तो सुनते थे गाने ना, तो ये मैंने वहाँ से उसकी टेप के ऊपर से तस्वीर छोड़ी मैंने कोई चीज़ नहीं, तो मैंने वो तस्वीर एक ले ली और वहाँ से मैंने ये बनाई। इस फिल्म का नाम था वो ऊपर लिखा है मोहब्बतें, तुम दिल की धड़कन में रहते हो कहते हो। सुना है बड़ी मशहूर हुई थी ये फिल्म, सुना है जेड़े एक बंदा सी ना वो भी तोड़ गया, आनू अल्लाह पूछेगा है। ये देखें जी आखिरी है तस्वीर, इसके डेले कुछ बहुत ज़्यादा ही मुझसे बड़े बन गए थे, माइंड ना कीजिएगा, डेलूपा आर यू डेलूपा, यस आई एम डेलूपा। किन्ने उन्हें पाई संहार किया है, कितनी ज्वेलरी पहन के बैठी हो, तुम्हें किसी ने कहा था इतनी ज्वेलरी पहनो, तुम्हारी मम्मा ने ज़्यादा दी थी नहीं ना। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये स्केचिंग पसंद आई है तो इसको जी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, सजल की दुनिया को, बड़ी ताड़ी मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड करते हैं हम पता अच्छी सी तस्वीर पे, वो बेसुरी तस्वीर पे नहीं करेंगे हम, ये कितनी भी आ रही है इस पर हम करेंगे, और नहीं ये जब मेरा जो शाहकार है ना मैं आपको वो निकाल के दिखाती हूँ, उस पर एंड करते हैं ठीक है, ये शाहकार है मेरा, वाह लेकिन सॉरी पे नहीं रहा पहन लिया, ये है शाहकार मेरा, आई लव इट, डू यू लव इट, यस आई एम लव इट, ये भी शाहकार है मेरा, ये इसने अपने रजाई रजुई पकड़ी सोन चली पहन, आँखा भी बांधने दिया देखना चाहिए पहन मेरी है, सीधी सीधी कार जाए, क्या मैक्सी है यार, यहाँ से शुरू हो रही है इसकी मैक्सी, वाह और तोलिया भी देख लो, वाह जो जो भी दुखी है ना मेरा भैन भरा इस तस्वीर नू वेखो तो दुख मनाओ, दुख मनाते रहो मनाते रहो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। इसलिए मैं ना ये नेल पॉलिश वगैरह नहीं लगाती, जब लत दी है ना कसम से इतनी बुरी लगती है, और मेहंदी इतनी बुरी लगती है, ये देखिए ओके जी, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं क्योंकि 20 मिनट हो गए ने पूरे, इससे ज़्यादा मुझसे अब बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैंने जाके पकानी है रोटियाँ पकानी, आलू बैंगन आपकी बहन ने पकाए हैं, और इतना एडिटिंग का काम होता है, इतना ज़्यादा होता है, और बच्चों को भी देखना होता है कि मेरी आईसेट वीक हो गई है, और जी आप उसका ये सिला देख दे रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप हिप हॉप को पसंद करते हैं, आप उन औरतों को पसंद करते हैं जो चादरें उतार के ना वो फेंकती हैं,
जो बेहिजाबियंस हैं, हिजाब में आ रहे हैं, बपर्दा होके नेकी का असलाह का काम करें, उनको सपोर्ट किया करें। इसी तरह जितनी भी मेरी बहनें जो स्ट्रगल कर रही हैं यूट्यूब पर, उनको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह पर यकीन रखें। और अच्छी आवाम भी है देखने वाली, अगर कोई वो होचा कंटेंट देखता है ना तो अच्छा कंटेंट देखने वाले भी। अपनी हिम्मत को ना हारें। इस चैनल पे मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, जितनी स्ट्रगल कर सकती थी मैंने की है। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़रूर कामयाब करेगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। सजद की दुनिया।